ना वहाँ दिन है, न सोने वाला ये शरीर है, न ये बाहर की चरम आंखे, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण ये आलस सुस्ती जाहली कायली ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो सोने सोने सूरती हो गई सार पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन सुन करके स्नान किया मानसरोवर में, अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में ऊपर से पड़ता है, तो वो प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती है, सहन करती है, नहीं तो ऊपर की रोशनी अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है, इसलिए उसको स्नान किया कहते हैं। उसकी धूमधाम से कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली उसमें रत हुई तो उधर जा कर के ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना, लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है कि गंगा जमुना ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो तीन धाराएं हैं तीन प्रकार की, इसलिए उसका प्रमाण ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहाँ गंगा जमुना का नहीं है ऊपर से आया, और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरते जब जाती है वहां स्नान करती है तो मतलब ये वो धारा। बोलो महासोन काना काली गोप्त भेद जाएली नाची। अब वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची दसवें द्वार में पारब्रह्म, इसी को पियापत कहते हैं, दर्शन किए उस पारब्रह्म और वहां से ऊपर से आवाज आती है महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहं पुरुष ब्राजमान सो मस्मित वृत्ति अखंडा, तुम्हारी रामायण में लिखा है सो नकार, और कितने हजारों योजन दूर से दिखाई देता है, एक योजन का चार कोस होता है, तो दूर से की नाका आ रहा नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब ये है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी, ये भी छोड़ दिया ईश्वर को भी छोड़ दिया ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया, अब वो ऊपर जाएगी महत्वपूर्ण भंवर को। अंध घोर जा भारी फेर सतर पालग जाका, वहां अंध घोर क्यों है, वहां कोई अंधेरा तो है नहीं लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौन, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल आंखें बंद हो जाती, इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब ये कि काम नहीं करती आप जब तक बर्दाश्त न कर ले उसको, इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आँख खुलती है तो बस मतलब ये है कि बस जरा सी रोशनी आई बंद हो जाती है, जैसे रोशनी आई बंद हो जाती हिलती है ऐसे, जब रोशनी आएगी तब बिजली चमकेगी फट बंद फौरन बंद, तो यही जब दरवाजे पर बैठी है नहीं प्रकाश जरा सा सकती आग बंद हो जाती, तो वो तो सब प्रकार से वहां तो फिर आग कैसे बर्दाश्त करना पड़े क्यों। लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई
तो मतलब ये है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज जिधर से निकलता है जिधर डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब जोजन नीचे और खरब जोजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब जोजन होते, इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी, जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता, कौन उनको पहचान सकता, किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दें वो तो अलग, वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में। और लेकिन ये नहीं कहा कि मैं, जब मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो बानी चारे गुप्त जा उठती सोरते रागिनी नई नई सुनती। कहते वहाँ चार गोपनीय है, अरे लोक है, और जो चार गोपनीय लोग हैं इन सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये तुरते वहाँ सुनती उस बाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी तुरते उधर जाएंगे उन्होंने सबको मनाया, जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भागशाली हो इस प्रयागराज संगम में, ऐसी अद्वितीय है। अब क्या बताऊँ, मतलब ये तुमको अगर वास्तव में गोस्वामी जी मिलना चाहिए था और तुमको मिले, लेकिन तुमने इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इतना अपमान किया कि शायद ही इतना कोई अपमान करेगा। और उस समय के ब्राह्मण शाकाहारी थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, तो विद्वानों ने इतना बड़ा अपमान किया जो कहने योग्य नहीं है। तो क्या ले पाया तुम? मिले तुम सब कुछ उनसे ले सकते थे, लेकिन तुमने फेंक दिया, और उसका परिणाम ये हो गया कि इतने नीचे गिर गए। उसी रामायण में लिखा हुआ है, हमसे क्यों आप कहलाते हो? इसलिए इतने गिर गए कि अब वो कहने की जोगी बात नहीं। तो धर्म भी चला गया, कर्म भी चला गया, सदाचार भी चला, नैतिकता भी गई, तो महात्माओं को तंग करने से कुछ मिल जाता है? अरे भाई उनके पास जो जाकर के कुछ मांगे तो ये कहे कि मेरा भाई कल्याण कीजिए, इस जीवात्माओं को भवसागर नदी से पार उतार दीजिए, यही कहना चाहिए था। लेकिन रोजी रोटी के पीछे पागल हो गए। अगर महात्मा किसी की रोजी रोटी थोड़ी लेते हैं, अगर रोजी रोटी ले तो सब